टेक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यदि GST एक्ट के अंतर्गत किसी टैक्स पेयर की गुड्स को सीज कर दिया गया है, क्या उसके पास कोई ऑप्शन है या फिर उसे टैक्स पे करने के बाद ही वह गुड्स को रिलीज करवा सकता है? सेक्शन 129 CGST 2017 का यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है या फिर स्टोर करता है और GST एक्ट और प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता है तो उस केस में उसकी गुड्स को सीज कर लिया जाएगा और डिटेन कर लिया जाएगा। उस केस में गुड्स को किस प्रकार रिलीज किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे तीन बातें जो है वो बताई गई हैं, यानी कि यदि गुड्स का ओनर सामने आ जाता है तो उसे कौन सा टैक्स और पेनल्टी पे करनी है, यदि गुड्स का ओनर सामने नहीं आता है तो उस केस में टैक्स और पेनल्टी क्या होगी, या फिर तीसरी ऑप्शन यहाँ पे दी गई है कि यदि सिक्योरिटी दे दी जाती है तो उस केस में ये जो तीसरी ऑप्शन है वो एक्सरसाइज की जा सकती है और गुड्स को रिलीज करवाया जा सकता है। इसके लिए रूल 140 प्रिस्क्राइब किया गया है CGST रूल 2017, जहाँ पे के बताया गया है कि आप बैंक गारंटी को देने के बाद गुड्स को रिलीज करवा सकते हैं। रूल 140 ये कहता है कि गुड्स को प्रोविजनल बेसिस पे किस प्रकार रिलीज करवाया जा सकता है, यानी कि इस केस में बॉन्ड भी देना होगा जो कि गुड्स की वैल्यू के इक्वल होगा और इसके साथ ही बैंक गारंटी भी देनी होगी एज ए सिक्योरिटी। इसके साथ ही आप हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के जजमेंट को भी रेफर कर सकते हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के केस में डिलीवर की गई है ऑन 6 फरवरी 2018, जिसमें कि बताया गया है कि टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है कि वे किसी भी तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करें और अपने गुड्स को रिलीज करवा लें। इस प्रकार GST ऑफिसर यह नहीं कह सकता कि आप टैक्स पेमेंट करवाने के बाद ही गुड्स को रिलीज करवा सकते हैं, आप सिक्योरिटी देने के बाद भी गुड्स को रिलीज करवा सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।